नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर रोज लगभग 1000 से लेकर 1200 तक रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें करीबन 450 लोगों की मृत्यु हो जाती है हर दिन। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अनुसार साल 2020 में होने वाले कुल रोड एक्सीडेंट की संख्या 3,66,138 थी, जिनमें 1,31,714 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 3,48,279 लोग घायल हो गए। ये आंकड़े तब के हैं जब लॉकडाउन लगा था और लोग सड़कों पर बहुत कम बाहर निकले थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी सालों में क्या हालत रहती होगी। साल 2019 में 4,49,002 रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें 1,51,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4,51,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। साल 2019 के मुकाबले 2020 का आंकड़ा लॉकडाउन होने के कारण भले ही थोड़ा कम रहा हो, लेकिन 2021 में फिर से ये आंकड़ा बढ़ गया और साल 2021 में कुल 4,00,000 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुए और 1,55,622 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 3,73,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आखिर क्या कारण है कि सड़क पर चलती हुई मौत का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा? आखिर एक्सीडेंट होने का मूल कारण क्या है? किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं? किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा एक्सीडेंट का शिकार होते हैं? ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है वीडियो देखने के बाद लोग जागरूक हों और रोड एक्सीडेंट्स में कमी आए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरकार रोड एक्सीडेंट्स के मुख्य कारण क्या हैं। अगर 2020 के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा कारण ओवर स्पीडिंग का था, जिसकी वजह से 2,65,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए और इनमें 91,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 2,55,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी तरह से दूसरे कारणों पर नजर डालें तो ड्रंक एंड ड्राइव, फोन पर बातें करते हुए गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना, नींद आने पर भी गाड़ी चलाना, बातें करते हुए गाड़ी चलाना। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है रोड एक्सीडेंट का, गलत लेन में गाड़ी चलाना या गलत साइड से ओवरटेक करना या बिना सिग्नल दिए लेन चेंज करना या एकदम से लेन चेंज करना। इस वजह से भी कोलिजन हो जाता है, पीछे से आ रही गाड़ी अगली गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है। ये कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं। अगर हम 2020 के आंकड़ों की बात करें तो हिट एंड रन केस के 52,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। एक सुरक्षित स्थान पर पार्क की हुई गाड़ी से दूसरी गाड़ी के टकराने के 11,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए, मतलब ये लापरवाही की हद है। हिट फ्रॉम बैक, मतलब पीछे से गाड़ी को टक्कर मारना, इसके 73,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। हिट फ्रॉम साइड के 48,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। रन ऑफ रोड, यानी कि रोड से गाड़ी उतरने के 18,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। फिक्स ऑब्जेक्ट में गाड़ी टकराना, इसके 12,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए, यानी कि पेड़ में लग गई या किसी दीवार में लग गई। ओवरटर्न करते हुए 19,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए। हेड ऑन कोलाइजन के 73,000 से ज्यादा केस शामिल है, मतलब आमने सामने गाड़ी की टक्कर होने के सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट है। बाकी अन्य वजहों से जो एक्सीडेंट हुए उनमें 57,000 केस शामिल है। अब हम बात करते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, यानी कि किनकी ज्यादा मृत्यु होती है। तो 2020 में 18 साल से कम उम्र के 6,998 बच्चे एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। 18 से 25 वर्ष की उम्र के 27,612 युवा मारे गए और 25 से 35 साल उम्र के 34,947 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 35 से 45 वर्ष की उम्र के 29,379 लोग मारे गए और 45 से 60 वर्ष की उम्र के 20,938 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 60 साल से ज्यादा उम्र के 8,380 लोग एक्सीडेंट के कारण मृत्यु का शिकार हो गए और 3,460 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र का पता नहीं चल पाया। तो इस तरह कुल 1,31,714 लोगों ने रोड एक्सीडेंट के कारण अपनी जान गंवा दी और इनमें भी सबसे ज्यादा वो लोग शामिल थे जिनकी आयु 25 से 35 साल के बीच थी। इनकी संख्या 34,947 थी, मतलब इस आयु वर्ग के सबसे ज्यादा लोग थे जो दुर्घटना का शिकार हुए। रोड एक्सीडेंट में मरने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग शामिल थे जो दुपहिया वाहनों पर सवार थे और उनमें भी वो जो ओवर स्पीडिंग से बाइक चला रहे थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो हेलमेट पहने हुए थे लेकिन ओवर स्पीडिंग होने के कारण हेलमेट लगाने के बाद भी बच नहीं पाए। अगर हम बात करें कि किस तरह के रोड पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे पर 1,16,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें 47,000 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं स्टेट हाईवेज पर 90,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें 33,000 से ज्यादा लोग मारे गए और बाकी अन्य लोकल रोड्स पर 1,58,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर रोड एक्सीडेंट की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले लॉकडाउन में थोड़े कम मामले देखने को मिले, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद फिर से रोड एक्सीडेंट के मामलों में बढ़ोतरी हो गई है। इन सभी का मेन कारण क्या है, वह आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं जो हमने ऊपर बताए हैं। इसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है।
हाल ही में टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार डिवाइडर से टकराने पर उनकी मृत्यु हो गई। अब रोड एक्सीडेंट को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर इतनी कोशिशों के बावजूद भी रोड एक्सीडेंट में कमी क्यों नहीं आ रही है। अब यहां सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ जो वाहन चलाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें और जो दूसरे लोग गाड़ी चला रहे हैं अपनी गलती के कारण उनको नुकसान ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गलती एक ड्राइवर की होती है और नुकसान दो तरफ से होता है, क्योंकि ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट गाड़ियों के सीधे टकराने से, पीछे से टकराने से या साइड से टकराने से होते हैं। ऐसे में दो गाड़ियों का नुकसान होता है जबकि गलती एक आदमी की होती है। तो यहाँ आपको गाड़ी चलाते वक्त अपनी गलती से भी बचना है और जो सामने से गाड़ी आ रही है, पीछे से आ रही है, उनकी गलती से भी बचना है। ऐसे में यदि हम पूरी सावधानी से गाड़ी चलाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि रोड एक्सीडेंट्स में कमी आए, क्योंकि जैसा आपने आंकड़ों में देखा रोड एक्सीडेंट्स के शिकार ज़्यादातर युवा होते हैं या जो कमाने वाले हैं जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि अपने आप को बचाने के लिए हमें सावधानी से गाड़ी चलानी पड़े तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। हमें उम्मीद है कि जिन्होंने ये वीडियो देखा है आगे से वो गाड़ी सावधानी से चलाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद।